भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले, घर गृहस्थी चलाने वाले, दुनिया चलाने वाले लोग हैं, तो आप तो आज ही अपने बेड की पोजिशन बदलो, दक्षिण में सबके सिर होने चाहिए बेड के। और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी हैं वगैरह वगैरह, इनको पूर्व में ही सोना। साधु जी, साध्वी जी, जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधु महात्मा संत, इनको पूर्व में ही सोना है सिर रख के। और आप जैसे लोग जिनको घर गृहस्थी चलानी है, दक्षिण। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखता। और एक सूत्र बहुत महत्व का, वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूं लेकिन आज मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है। भागवत जी एक जगह लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। अब यहां पे वास्तु घुस गया, वास्तुशास्त्र, वास्तु भी विज्ञान है। तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? तो वो कहे हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे, सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए, कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके, तो दक्षिण में जरूर कर ले, साउथ में। तो या तो ईस्ट और या साउथ, जब भी आराम करें, लेटें, तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे, पांव हमेशा पश्चिम में रहे। और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। आगे के सूत्र में भागवत जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, उत्तर, नॉर्थ। फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें, लेकिन सोने के लिए उत्तर बिल्कुल निषिद्ध है। अब भागवत जी ने लिख दिया, मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा, तो मैं गांव में भी बहुत जाता हूं, तो कई बार गांव में मैंने ऐसी स्थिति देखी है, किसी का मृत्यु हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, तो मैं देखता हूं कि वहां पंडित जी खड़े हो गए अंतिम संस्कार के सूत्र बोलना, तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में हर गांव में पंडित जी, मृत का शरीर उत्तर में करो, मन सिर उत्तर में करो, पहला ही मंत्र है, पहला ही मंत्र बोलेंगे, मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कार विधि, उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए। तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो, उसके बाद विधि शुरू करो। अब ये तो हुआ भागवत जी का, दयानंद जी का वगैरह, अब मैं विज्ञान जोड़ रहा हूं इसमें, ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है। क्यों आज का जो हमारा दिमाग है ना, ये क्यों के बिना मानता नहीं। हां, क्यों क्यों ऐसा करें? कारण उसका बिल्कुल साफ है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है, पृथ्वी और शरीर के बीच में, इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे काम करता है? पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों सबसे ज्यादा तीव्र हैं गुरुत्व आकर्षण के लिए। पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्षण के लिए। आपका जो शरीर है इसका यह है उत्तर, सिर जो है ना शरीर का उत्तर है, और पांव दक्षिण है। तो सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है,
विज्ञान ये कहता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल जब शरीर पर काम करेगा, धक्का देने वाला बल, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और शरीर में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा, क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं, मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। तो उत्तर की दिशा पृथ्वी की है जो नॉर्थ पोल कहलाती है, हमारे शरीर का उत्तर यह है सिर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, शरीर में संकुचन आएगा, नींद आएगी ही नहीं। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ। तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे रबर खींचती है ना, इलास्टिसिटी, ऐसी शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो इसलिए भागवत जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है, खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं। दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में थोड़ा सा फैलाव आएगा। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। यह विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप, तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर, भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है, और क्या चाहिए। तो आप नींद अच्छी लें, ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रहे, इसके लिए दक्षिण में सिर करके सोना बहुत अच्छा, और नहीं तो पूर्व में करना। अब पूर्व क्या है, पूर्व के बारे में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल है, पूर्व जो है ना न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे, तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है, भागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है, कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा पश्चिम के बारे में। सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से, जो सूत्र में बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई है, पूर्व पर हो चुकी हैं, दक्षिण पर बहुत हो चुकी हैं, उत्तर पर तो सबसे ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते समय, माने पूर्व में सिर करके सोएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दक्षिण।